वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रॉनिक्स वर्ल्ड। आज हम एक तो नया आइटम रिपेयर करेंगे जो मैंने पहले कभी रिपेयर नहीं किया, तो ये वाला जो है एक 60 VA जो पावर सप्लाई होता है वो पावर सप्लाई है। तो मेरे कस्टमर हमको देखे गया है जो इसका जो आउटपुट नहीं हो रहा है, तो ये एक तो SMPS है। इसका आउटपुट वोल्टेज है 12 वोल्ट 5 एम्पीयर। तो पहले मैं ओपन करूँगा, ओपन करके देखूँगा इसमें क्या प्रॉब्लम है और सॉल्व करूँगा और आपके साथ शेयर करूँगा, तो देखते रहिए। तो पहले मैंने ऊपर जो ढक्कन है वो ओपन करूँगा, ठीक है, मैंने ओपन कर लिया। तो ये एक तो सिंपली SMPS है, तो देखते हैं। पहले मैं यहाँ पर करंट दूंगा, AC सप्लाई दूंगा। ये यहाँ पर देखिए NL AC है और ये वाला बीच वाला ही जो ग्राउंड है, ठीक है, और कॉमन है भी वोल्टेज, हाँ पॉजिटिव नेगेटिव वोल्टेज है, और ये वाला है आउट एडजस्टेबल, हाँ एडजस्ट करने के लिए, ठीक है। तो मैंने पहले इसमें सप्लाई दूंगा और सप्लाई देखूंगा आउटपुट हो रहा है या नहीं, ठीक है, तो देखते रहिए। तो मैंने एक तो कॉर्ड ले लिया, तो पहले मैं AC कनेक्शन देती हूँ, देख लीजिए। हाँ मैंने लगा दिया और एक तो मैंने तो मैंने AC कनेक्शन कर दिया। तो अभी ऑन करके देखेंगे क्या हो रहा है और मैं वोल्टेज चेक करूँगा, तो देखते रहिए। तो मैंने जॉइन कर दिया, अभी मैं यहाँ पर कनेक्शन दूँगा, ठीक है। और ये मेरा मीटर है और मीटर से मैं चेक करूँगा। मैं 750 वोल्ट AC में रखा है, तो देखिए यहाँ पर AC आ रहा है, देखिए यहाँ पर AC आ रहा है। तो यहाँ पर जो एक तो लाइट है वो ब्लिंक कर रहा है, येलो वाला लाइट, वो आपको दिखाई दे रहा है या नहीं हमको पता नहीं। और आउटपुट हम देखते हैं कितना वोल्ट आ रहा है। तो यहाँ पर देखिए -3 ऐसा कुछ लगभग वोल्टेज है, ठीक है, -3.59 ये वोल्टेज सही नहीं है, क्योंकि यह ये जो आउटपुट वोल्टेज होना चाहिए 12 वोल्ट, तो इसमें कुछ गड़बड़ है, तो देखते हैं, ठीक है, तो देखते रहिए मेरे साथ। तो मैं इसको डिटैच कर देता हूँ, कर दूँगा, कर दिया मैंने। तो अभी क्या करेंगे, मैं इसमें जो 3 स्क्रू है इसको खोल के ओपन करूँगा। और एक बार हम आपको दिखा देते हैं ऊपर से, ये देखिए ये वाला AC है, ये फ्यूज़ है और ये यहाँ से रेक्टिफाई होके ये जो फिल्टर कैपेसिटर है, ये हाई वोल्टेज कैपेसिटर 400 वोल्ट है कैपेसिटर। इसके बाद ये चॉपिंग ट्रांसफार्मर है और ये शायद है ट्रांजिस्टर चॉपिंग करने के लिए, हाँ ठीक है। और ये ऑसिलेशन IC है, तो ये इस टाइप यहाँ पर काम होने से ठीक तरह से तो यहाँ पर आउटपुट होगा। तो पहले हम इसको निकल के बाहर करते हैं, तो देखते रहिए। तो देखिए मैंने यहाँ से स्क्रू खोल के निकल के बाहर कर लिया, हाँ। तो अभी मैंने पहले जो बोला था, हाँ ये देखिए ये AC है, इनपुट है, और ये वाला ही ट्रांजिस्टर है, ये जो है चॉपर ट्रांसफार्मर है, हाँ, और ये चॉपिंग IC है, ठीक है। तो पहले मैं क्या करूँगा, यहाँ पर वोल्टेज चेक करूँगा कितना वोल्टेज यहाँ पर आ रहा है, तो उसके बाद हम देखेंगे, ठीक है, तो देखते रहिए। तो मैंने दोबारा यहाँ पर लाइन में दे दिया, हाँ ये मेरा ऑन ही है। तो मीटर को मैंने 1000 रेंज में रखा है, तो यहाँ पर चेक करते हैं।
327 28 26 ठीक ही है, यहाँ पर वोल्टेज ठीक ही है, तो आउटपुट नहीं आ रहा है। तो देखते हैं, तो अभी इसको मैं डिचार्ज कर दिया। तो पहले मेरा काम है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए जो ग्रीन लाइट है वो जल रहा है, ब्लिंक कर रहा है। तो मैं पहले एक काम करूँगा, यहाँ पर एक तो लोड दूँगा, हाँ जो एक तो बल्ब लगाऊँगा, उसके बाद फिर दोबारा देखेंगे ग्लो हो रहा है या नहीं। तो देखते रहिए, देखिए मेरे पास एक तो 12 वोल्ट का एलईडी लाइट है, तो मैं यहाँ पर एलईडी लाइट कनेक्शन करूँगा, कनेक्शन करके देखूँगा ग्लो हो रहा है या नहीं। तो देखते रहिए, ये वाला है नेगेटिव, ये वाला नेगेटिव है, नेगेटिव में ब्लैक वायर कनेक्शन कर दिया। अभी यहाँ पर ये वाला है पॉजिटिव, पॉजिटिव तो यहाँ पर मैंने कनेक्शन कर दिया। तो देखिए अभी ग्लो हो रहा है या नहीं, देखते हैं। मैं दोबारा ऑन करता हूँ, नहीं ये लाइट ग्लो नहीं हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पर एक तो येलो लाइट है वो ब्लिंक कर रहा है, आपको दिखाई दे रहा है या नहीं हमको पता नहीं, मगर यहाँ पर ब्लिंक कर रहा है, ठीक है। तो मैं ओपन कर देता हूँ। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक तो साउंड आ रहा है, टिक 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 टिक, ऐसा माफी साउंड आ रहा है। तो मैं पहले क्या करूँगा, यहाँ पर एक तो प्रीसेट है, प्रीसेट मैं चेक करूँगा, ये प्रीसेट प्रीसेट चेक करके देखूँगा। तो देखते रहिए, इस प्रीसेट को मैं ओपन करूँगा, इस प्रीसेट का काम है वोल्टेज रेगुलर, वोल्टेज जो आउटपुट में जो वोल्टेज आता है उसका सही तरीके सही वोल्टेज के लिए ये रेगुलेट, सही वोल्टेज देने के लिए ये प्रीसेट है। ये प्रीसेट घुमाने से ज़्यादा होता है और माने उल्टा घुमाने से कम होता है और सीधा घुमाने से पॉजिटिव वोल्टेज ज़्यादा होता है। तो मैंने चेक करूँगा, इसका वैल्यू है 102, ठीक है, 1K प्रीसेट है। तो मैं इसको चेक करता हूँ, तो मैं मीटर को 200K में रखता हूँ, ठीक है, मैं चेक करता हूँ। पहले हाँ 0-0 हो गया, ठीक है, अभी चेक करते हैं। ओ मेरा ये प्रीसेट, हाँ ये प्रीसेट शायद ख़राब है, तो इसलिए ये प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक है। ये वाला जो प्रीसेट है शायद एक ख़राब है, मैं ये वाला प्रीसेट चेंज करूँगा पहले, उसके बाद देखूँगा। तो ये जो प्रीसेट है, ये प्रीसेट यहाँ से आउटपुट से इनपुट में रेगुलेट करने के लिए देते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पर एक तो 1K प्रीसेट लगाएंगे, तो देखते रहिए। पहले इसमें इसको सफ़ा कर लेते हैं, तो मेरे पास एक तो 1K प्रीसेट है, देखिए ये वाला एक तो 1K प्रीसेट है। तो इसको पहले मैं चेक करता हूँ, हाँ हाँ ये वाला सही है, तो मैं ये वाला प्रीसेट वहाँ पर लगाऊँगा, लगाने के बाद देखूँगा। तो देखते रहिए, तो मैंने यहाँ पर प्रीसेट दे दिया, अभी यहाँ पर सोल्डरिंग कर दूँगा। ये 102 प्रीसेट 1K प्रीसेट है, तो मैं यहाँ पर 1K प्रीसेट लगा दिया। मेनली जो पावर सप्लाई का है प्रीसेट ख़राब हो सकता है, तो यहाँ पर भी प्रीसेट शायद ख़राब है, तो मैं नया प्रीसेट लगा दिया यहाँ पर, अभी चेक करते हैं। हाँ ये एकदम सिंपल प्रॉब्लम था, हाँ तो अभी मैं ऑन करता हूँ, देखिए ओ हाँ
तो एकदम ग्लो हो गया। तो इसका मतलब है एफिशिएंसी ख़राब था। तो यहाँ पर चेक करते हैं कितना वोल्टेज है। तो यहाँ पर 20 रेंज रखा है, माइनस 12.10 वोल्टेज है, 12 वोल्टेज है। ठीक है, ए वाला मैं एडजस्ट कर दूंगा, एडजस्ट करके पूरा 12 वोल्ट कर देंगे। तो ये एकदम सिंपल जो प्रॉब्लम था मैंने आपको सॉल्व करके दिखाया, ये SMPS का जो है अभी एकदम ग्लो एकदम हो रहा है। ठीक है, तो मेरा ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, तो थैंक यू।